जम्मू कश्मीर में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है। सूबे में लगातार रैलियां की जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दलों के बीच चिंता बढ़ती जा रही है। बीते दिन ही जमात और इंजीनियर राशिद की अवामी इतिहाद पार्टी के बीच गठबंधन किया गया है, जिसके तहत जमात के निर्दलीय उम्मीदवार इतिहाद पार्टी उम्मीदवारों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इस गठबंधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी समेत बीजेपी ने निशाना साधा है। जमात इस्लामी और एआईपी के गठबंधन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कटाक्ष करते हुए इसे एजेंसियों के इशारे पर काम करने वाला संगठन बताया। उमर का कहना है कि तार इनके कहीं और से जुड़े हैं और इशारा इनको कहीं और से आता है। जहां से इशारा आता है उस इशारे पर ये नाचते हैं। उमर ने कहा कि इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतारा गया है। उमर ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इस गठबंधन को एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहा, हमने भी कोशिश की थी, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको पीएजीडी बनी थी, क्योंकि कोशिश थी कि हम लोग एक साथ चलें। बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज़्यादा है कि उन्होंने सोचा अगर वो कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कई कुर्सियां हाथ से निकल ना जाएं। महबूबा ने कहा कि मैं कहती हूँ हम लोगों को भी एक साथ चलना चाहिए, ताकि जो आज़ाद उम्मीदवार जो बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले हैं, उससे यहाँ का वोट डिवाइड ना हो। इधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर इंचार्ज राम माधव ने जमात और इंजीनियर के गठबंधन पर निशाना साधते हुए इसे रेडिकल समूह का एक साथ होना बताया। उनका कहना है कि वो लोग जो इस समय गठबंधन बना रहे हैं वो कट्टरपंथी समूह के थे, वो लोग साथ आ रहे हैं, फिर से एक रेडिकल आइडिया सेल्फ डिटर्मिनेशन वाली बातें कर रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर की जनता को ऐसी ताकतों से सावधान रहना चाहिए। दरअसल जमात और इंजीनियर राशिद की पार्टी के बीच गठबंधन फिलहाल पहले चरण के लिए हुआ है। इसकी जानकारी खुद राशिद इंजीनियर ने दी। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी की जो स्पेशल कमेटी है उसके जिम्मेदार और एआईपी के बीच लंबी बातचीत के बाद एक ही राय से यह फैसला किया गया है कि मौजूदा राजनीति हालात में वतन से प्यार करने वालों को सामने आकर एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के राजनीतिक अधिकारों के लिए एक प्लान के तहत लड़ा जा सके। उन्होंने बताया कि इस बैठक के बाद ये तय हुआ है कि दोनों पार्टियाँ कश्मीरी लोगों के अधिकारों के लिए मिलकर काम करेंगे। इंजीनियर राशिद के मुताबिक पहला फेज़ जो कि 18 सितंबर को होना है, इसके लिए ये तय किया गया है कि जहां जमात इस्लामी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और एआईपी का उम्मीदवार नहीं है, वहां हम जमात इस्लामी की मदद करेंगे। ठीक वैसे ही जहां एआईपी का उम्मीदवार है और जमात हमारी मदद करेगी। इसके साथ ही जो जगह पर दोनों पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं वहाँ फेंड्री मुकाबला होगा, क्योंकि इसके लिए नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पहले ही निकल चुकी है। उन्होंने कहा कि यह फैसला दोनों पार्टियों के बीच हुई बैठक में लिया गया है।